सरोवर से आकर के अपने वस्त्र आदि धारण किया, किंतु देवजानी ने किया कि ये सर्विष्ठा ने किया कि जल्दीबाजी से देवजानी के वस्त्र धारण कर लिया। और उस समय सर्विष्ठा बहुत तमतमाते हुए और गाली गलौज आदि करने लगे, जिसके देवजानी के सहन नहीं हुआ, दोनों में ही गाली गलौज होने लगे। और इसके पश्चात जो है, और शर्मिष्ठा ने किया कि उन्होंने देवजानी से अपने कपड़ा छीन लिया और उसके विवस्त्र करके ये कुएं में डाल दिया है। तो कुएं में कौन रहा, अभी कौन पड़ा रहा? देवजानी, देवरानी ना, देवजानी है, देवजानी है। ठीक उसी समय जजाति महाराज शिकार खेलते खेलते उस स्थान पर आए और कुएं की पिपास, उससे तो प्यास लगने पर कुएं पर, कुएं के सामने जब आए, देखा ये दृश्य को देखा, तो जजाति महाराज ने किया कि उनको किसी प्रकार से हाथ पकड़ करके कुएं से उठाया। उस समय देवजानी ने महाराज के बोले, जाति महाराज आप जिस हाथ को पकड़ लिया उसके छोड़िए मत कभी, अर्थात मुझे आप विवाह कीजिए। जजाति महाराज कहने लगे ये असंभव, क्योंकि तुम ब्राह्मण करना हो और फिर तुम्हारे पिताजी के प्रभाव है, मैं जानता हूँ है, शुक्राचार्य जी की प्रभाव के त्रिकोण, ये मेरे लिए संभव नहीं। तथा तब उस समय देवजानी ने कही, हे राजन सुनो, मेरा जो विवाह जो है वास्तव रूप में जो क्षत्रिय के साथ ही होगी, यद्यपि मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुए, किंतु क्षत्रिय कुल में मेरा क्या होगा, विवाह होगा। इस कथा प्रसंग में उन्होंने ये कथा भी श्रवण कराया, जी कच्छ की कथा श्रवण कराया, जिसका हम प्रातः काल में जो श्रवण कराया था, जो एक बार देवता और उस समय जब घनाघोर युद्ध होने लगे, तो उस समय शुक्राचार्य ने मंत्र के बल पर और असुरों की जब मृत्यु, असुर के शरीर छोड़ देते हैं, उनके मृत शरीर के ऊपर संजीवनी मंत्र प्रयोग करके उसके पुनर्जीवित कर देते थे। इसलिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ वही संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए देवजानी के पिता शुक्राचार्य के पास आए, छद्मवेश धारण करके और मंत्र शिक्षा आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। किंतु देवजानी कभी कभी उसी स्थान पर आती थी और कच्छ को देख करके वो मोहित हो गई, कौन, देवजानी, और दो एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह, प्रेम आदि होने लगे। तो उन्होंने कहा, देखो हमें तो यदि तुम्हें पिताजी से मंत्र प्राप्त हो जाए तो मैं तुम्हें विवाह कर सकती हूँ, किंतु ये बहुत कठिन था। तो उस समय ने किया कि और जब विद्यालय में, जब जिस विद्यालय में कौच अध्ययन करते थे, उस विद्यालय की असुर बालक ने इसको पहचान लिया, ये तो देवता के देवपुत्र है। इसलिए एक दिन किया कि गोपन से जो है वह विद्यालय के असुर बालक ने किया कि उसको मार करके, काट काट कर, बूटी करके कुत्ते को जो है खिला दी, कुत्ते को खिला, कुत्ता के खिला दिया, कच्छ के बॉडी के, बड़ी कच्छ के जो शरीर के जो है काट काट करके, बूटी बूटी करके कुत्ता को खिला दिया है। इधर देवजानी सर्वत्र ढूंढने लगे, मेरे कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, आया समझे। तो किसी प्रकार से उनके पता लगा
जी असुर बालक ने उनको काट करके क्या कर दिया, कुत्ते को खिला दिया। तब देवजन ने पिता शुक्राचार्य को बोले, पिताजी मेरे कच को आप किसी प्रकार से है वापिस कराइए। और उस समय शुक्राचार्य ने मंत्र के बल से है और मंत्र जप करके उन्होंने किया कि कुत्ते के पेट से कच को प्रकट कराया है। फिर देवजानी और कच दोनों के मित्र तब प्रेम प्रतीत होने लगे है, कहने लगे तुम मुझे शादी करो। देवजानी कच कहने लगे, देखो जब तक मंत्र प्राप्ति नहीं हो तब मैं नहीं कुछ करते है। और इधर शुक्राचार्य भी उसको भी नहीं दे रहे है, अभी भी दभ्यास करो 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 ऐसे चलते जा रहे। फिर एक दिन देखा कच पुनः जब जीवित होकर के आ गया तो वही दैत्य बालक ने असुर बालक ने किया कि कच के जो है मार करके उनके पीस करके ये बना दी, शरबत बना दिया, ये बनाया जूस बनाया शरीर को जो है, और बना करके शुक्राचार्य के खिला दी किसी प्रकार से। शुक्राचार्य के पता ही नहीं था अभी कच कहाँ चला गया, शुक्राचार्य के पेट में अभी कैसे निकले। तब इस प्रसाद प्रसंग जो है तो अब शुक्राचार्य ने वो मंत्र देवजानी को दिया, देवजानी मंत्र आदि जप करके पिताजी के पेट से उसको निकाला, कच बाहर आ गया, फिर अपने पिताजी को भी जीवित कर। तो कच कहने लगे जी हमें मंत्र प्रदान करो है। तब तो उस समय देवजानी ने वही पिताजी के प्राप्त जो मंत्र कच को दे दिया। कच अभी मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त हो गया। कच के उद्देश्य था किस लिए, अपने उद्देश्य किस था, क्या था, मंत्र प्राप्ति करना। जब मंत्र प्राप्ति कर लिया तो बोले मैं तुम्हें शादी नहीं करता है। तो देवजानी बोल गई तुम्हारे लिए मैंने इतने ये किया है, कष्ट किया, कैसे तुम्हारे दो बार तुम्हारे मित्र शरीर को मैं जीवित किया है, पिताजी से मांग करके, और तुम अभी मंत्र प्राप्त के चले, विश्वासघातक तुम हो, अभिशाप दे दिया देव जी ने, अभिशाप दे दिया जाओ, तुमने जो मंत्र प्राप्ति की वो मंत्र निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो भवित। कच विचार कर लगे ऐसे हम अभिशाप दिया, ये कैसे हो सकता है, तुम ब्राह्मण कुल में होकर के अरे हमारे साथ विवाह करने जा, तेरे कभी ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म नहीं, ये नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, तेरा कहाँ बना जन्म होगा, क्षत्रिय कुल जन्म कर दिया, तुम्हारे शादी कहाँ होगी, क्षत्रिय कुल में शादी होगी। ऐसे करके स्वस्थ चले है। तो उसी कथा को जो है देवजनी राजा जजाति के जो है श्रवण कराया, हे महाराज आप चिंता मत कीजिए है, ये तुम आपके साथ विवाह होने की मेरे सारी विधि के विधान लिखा है, क्या करें है, फोन हार के है टल न सके कोई, जो होने वाला है उसके कहाँ टल सकते हैं है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखा गया है, जो चीज़ हमारे पास है देव दानव और मंत्र तंत्र के द्वारा वो टाल नहीं सकते, हो गए। तो हे राजन, देवजानी कहने लगे हे राजन आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें है, किंतु मुझे छोड़ करके आप किसी के साथ प्रेम प्रीति ना करें है। तो उस समय जजाति महाराज है किसी प्रकार से डरते हुए वह उनके साथ माला बदल करके जो है विवाह भी कर लिया है। चले इधर देवजानी ने जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य की सारी कथा सुनाया है, कैसे विश्वकर्मा के पुत्री है शर्मिष्ठा ने उनको कैसे उनके प्रति कैसे क्रूरता व्यवहार की है, कैसे उनके वस्त्र छीन करके है कैसे मृत्यु के घात में कैसे इसके है फेंक दिया।
और इस कथा को सुन करके बस उस समय बहुत क्रुद्ध हो गए। शुक्राचार्य जी इतने क्रोध प्रकाश करे, शुक्राचार्य तम तमात भी आगे विश्वपर्वा के पास, और विश्वपर्वा भी पहली अवगत हुए सब कथा को जान लिया है, और उन्होंने शुक्राचार्य के चरण में नतमस्तक होते हुए कहने लगे, गुरुदेव ये तो छोटे छोटे बालिकाओं को अपने आप सहेली के साथ कुछ हुआ, इससे तो हमें कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे क्षमा करें है। बहुत प्रकार अनुनय विनय करने पर है तब उस समय देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य ने कहने लगे, ठीक है मेरे पुत्री जो निर्णय लेगी वही होगा है। वो तो पूरा श्राप देने में ध्वंस करने में समर्थ थे शुक्राचार्य ने, किंतु महाराज के ऐसे दयनीय विनय आदि देख करके जैसे हमारे पुत्री जैसे निर्णय ली ऐसे। तब उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, जी तुम्हारे क्या हुई मत है तुम बताओ है अपने पुत्री के जो पूछने लगे। तो उस समय देव जानी कहने लगे, ये पिता मैं तो शादी कर ली इसके साथ गंधर्व मत से जजाति महाराज के साथ, खरी कथा सुनाया है, विधि के विधान के अनुसार तो इनके साथ शादी होना ही था ही मेरा, और क्या करें है। और ये शर्मिष्ठा जो है मेरे घर में वो दासी बन कर रहे है। तब तो अनंतर देव हमारे उनके शर्मिष्ठ के पिताजी कह जाओ, शर्मिष्ठा तुम देव जानी के घर में दासी बन के रहो, उनके घर में पानी भरो है, झाड़ू लगाओ, जैसे जैसे आदेश दे ऐसे है। तो अभी शर्मिष्ठा जो है देव जानी के घर में मानो दासी बन के झाड़ूदारनी के बाप के रूप में रहने लगी। इधर देव जानी के गर्भ में महाराज जजाति ने दो पुत्र को जो है जन्म दिया है, जिसको नाम मैंने बताया था, क्या नाम था, जदुवैर तौरबुशु, क्या बोला तौरबुशु, हाँ याद रखना बस, क्योंकि ये नाम अभी याद रखना, क्योंकि जदुवंश में भगवान आए ना, क्यों भगवान जदुवंश में प्रकट हुए, अभी ये देव जानकी जी प्रथम देव जानकी जी पुत्र हुई, दो पुत्र हुई जदु और तरबुशु है। देव जानकी के पता नहीं था ये कैसे महाराज जजाति जो है छुप छुप करके शर्मिष्ठा के रूप में मोहित होकर के उनके साथ मिलते थे है। और एक दिन क्या हुई ना, ये देव जानकी के पुत्र द्वय जो है खेल कूद कर रहे थे, उसी के दल में जो है शर्मिष्ठा के जब पुत्र जो है क्या जी, शर्मिष्ठा के गर्भ में तीन पुत्र प्रदान किया है, आ समझे, महाराज जजाति ने उनके साथ तो विवाह तो किया ही नहीं है, और ये तो माना कर दे विवाह करने के लिए, और उनके गर्भ में वो छुप करके तीन पुत्र कर, और एक दिन से बालक किया जाने, छोटे छोटे बालक 8-10-12 साल की बालक है शायद है, खेल कूद के एक दिन हठात देव जनी ने देखा मेरे पुत्र के भांति, राजा के हम राजा जजाति मुख के भांति ये तीन पुत्र है उसमें है, ये कौन है, तब पता लगाया जे क्या हो गया, इन्होंने जजाति ने उनको साथ प्रेम प्रति करके दासी के गर्भ में तीन पुत्र गए। तब उस समय देवजनी ने इतने क्रोध हो गया जैसे सांप के
आघात करने पर सांप के रीढ़ जैसे टूट जाता है और सांप जैसे तम तमाते हुए है अपने आप ही जो है वो है फन को उठाता है, फंस फंस करता रहता है। उसी प्रकार देव जानी ने किया कि जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य जी के निकट सारी कथा सुनाए है और शुक्राचार्य जी की कथा सुनकर शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गया। शुक्राचार्य जी ने किया अभिशाप दे दिया जयजाति महाराज को, जाओ तुम नपुंसक बन जाओ है। ऐसे जब कर दिया तब देवजानी विचार करने लगे, हाँ है ये तो कुड़ाली लेकर के अपने पैर को अपने आप मैंने काट लिया। कहेंगे पिताजी ऐसे नहीं। तो शुक्राचार्य ने कहा मैंने तो अभिशाप ही दे ही दिया। ये शुक्राचार्य हाँ है तो इसके क्या करें, तो बोले जाओ जजाति महाराज ये बुढ़ापा जो है यदि कोई उनके बुढ़ापा के कोई ले ले उसके पुत्र पुत्रों में पांचों जो पुत्र जो है इसमें कोई उसके पुत्र यदि उसके बुढ़ापा ले ले तब ये और उनकी जो जुबा इसके पास आ जाएगा तब ये जो है संसार की भोग कर सकते हैं। तो उसमें जजाति महाराज ने किया कि पहले जो है पुत्र देवजानी के जो पुत्र जो है जोदू के कहा है जे तुम मेरा ये जरा के ले लो और तुम्हारे जो है जौवन के मुझे दे दो। पुरु ने कहा ये जोदू ने कहा हे पिता मैं पहले अपने जीवन के जो है भगवान को समर्पित कर दिया। ये जीवन की तात्पर्य एक मतलब भगवत समर भगवत भजन करना है, इसलिए संसार की भोग शोक हमें कुछ नहीं चाहिए और पहली मैं अपने सब कुछ भगवान को मैं समर्पित कर दिया इसलिए आपको दे नहीं सकते। दूसरी बात यह है ये मेरा जीवन आपके दो उस आप क्या काम में लगाओगे, विषय भोग में लगाओगे है और विषय भोग तो नरक की रास्ता कहा गया है। कहते ही पिता आपको मैं नहीं दे नहीं सकते इसलिए उन्होंने दिया ही नहीं है। और फिर इसी प्रकार से बाकी जो है चार पुत्र के पूछा देवजानी के और एक पुत्र रह गया तुर्बसु और शर्मिष्ठा के जो है पुत्र है, तीन पुत्र में विशेष करके इसको पूछा द्रुज्य अनु के पूछा। शर्मिष्ठा के घर में तीन पुत्र हुए थे द्रुज्य अनु और पुरु। इन्होंने कहा जे हमें तो पता नहीं है क्या करना नहीं करना है हम भी दे नहीं सकते, इन्होंने भी इनकार कर दिया। और उस समय पुरु के जो पूछा गया देव जजाति महाराज उनके पूछा बेटा देखो मेरा ऐसे स्थिति है क्या करो तुम अपने जौवन को मुझे दे दो। तो उस समय पुरु भी बहुत प्रसन्न हुए हैं क्योंकि पुरु कहने लगे हे पिता जो पिताजी के आदेश नहीं पालन करते उसके तो न इस संसार में सदगति है न परलोक में भी है। शास्त्र में कहा गया पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमापन्न प्रियंते सर्वदेवता। पिता सर्ग स्वरूप है, है? पिता सर्ग पिता धर्म के साक्षात धर्म के स्वरूप है। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंत पिता ही माने साक्षात समस्त तपस्या के मूर्तमान प्रकाश है। पिता प्रसन्न होने पर सभी कार्य सिद्धि हो जाते हैं और सब देवता लोग से लेकर के पितरों जो है सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है ये पिताजी के कृपा से जीव को एक वह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान की भी प्राप्त कर सकता है। इस संसार में भला ऐसा कौन सा होगा जो ऐसी देहों के उत्पन्न करने वाले पिता से उत्तीर्ण हो सके ऋण के उतार ना सके है? उसकी पिता उनकी पिता से ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, है? मनुष्य मात्र की कर्तव्य है पितृऋण ऋण शुद्ध करना है, पिताजी के ऋण को क्या कर देना उतार देना
फिर पास में। और दूसरी कहते हैं, जो पुत्र पिता के मन की इच्छा को बिना कहे ही पूरा कर देते हैं वो उत्तम पुत्र होता है। संसार के तीन प्रकार के पुत्र के बारे में कहा जाता है, एक उत्तम पुत्र और एक मध्यम पुत्र और एक कनिष्ठ पुत्र है। जो पुत्र पिता के मन की इच्छा के बिना ही कहे पूरा कर देते हैं, केवल पिता इच्छा प्रकाश जो करते हैं, अब कहे नहीं अभी तक, और पिताजी की इच्छा पूरा कर देते हैं, उसे कहते उत्तम पुत्र कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था उत्तम पुत्र के बारे में, किसके कहा गया, रामचंद्र के उदाहरण दे दिए है। दशरथ महाराज ने नहीं कहा, एक बार कहा ये राम तुम वन में जाओ, हाँ इतना ही तो है, मौन धारण किया, मौनम सम्मति लक्षणम है। कैकेयी ने राजा दशरथ से दो बार मांग लिया था, एक बार में भरत के राज्य था और दूसरी बार में राम को 14 साल के लिए वनवास है। भरत राम दशरथ महाराज ने नहीं कहे, तथापि पिताजी की मौनता देख करके भी समझ गए, वाल्मीकि रामायण ने तो स्पष्ट लिख दिया है। आज ये पिताजी के क्या गया, रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए बरु बचन न जाए, इसको तो पिता को है ना, कई ना कैकेयी के दोष है ना दशरथ महाराज के दोष है, हैं आप बताओ। इसलिए उत्तम पुत्र में भी दिखा जाए, इसके विचार रामायण के भी आई है, हैं कैसे धार्मिक पुत्र और धार्मिक राजा भी है। जिस प्रसंग में मैंने भी कहा था, लक्ष्मण जब ये कथा सुनी तब उसने लक्ष्मण अपने पिता के ऊपर अंडसंड भी बात कह दिया, किंतु रामचंद्र ने क्या कहा, लक्ष्मण यदि दोबारा तुम्हारे पिता के लिए ऐसे शब्द कह दिया तो मैं तुमको भाई कहने के लिए कहा, मेरे पिता सत्य संदर्भ सत्य की रक्षा करने वाले, ये तो एक परिस्थिति में उनके विवशता बना दिया है। पिताजी की कोई दोष नहीं है और माँ की भी दोष नहीं है, देखो कितने सुंदर। तो उसी प्रकार उत्तम पुत्र के बारे में भी कहा गया है, पिताजी की केवल इच्छा जानकर के जो इच्छा पूरा करते हैं उत्तम पुत्र कहा जाता है। और दूसरी पिता कहने पर श्रद्धा के साथ कार्य की पूरा करने वाले मध्यम पुत्र कहते हैं, आदेश देने पर श्रद्धा के साथ जो आदेश पालन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मध्यम पुत्र कहा जाता है। और अधम पुत्र कनिष्ठ क्या है, कहने से भाई करते में कभी भी नहीं करते हैं है? और अधम पुत्र किसको कहते हैं, कहे जाने बाद तथा बिना श्रद्धा से कार्य की करने वाला पुत्र, वो भी करते नहीं है, पिता का आज्ञा उल्लंघन करता है, वो अधम पुत्र, वो पुत्र नहीं है, वो क्या है, वह तो पुत्र नहीं है, मौल मूत्र ही है, है? जो पिताजी के किसी प्रकार के आदेश पालन आदि नहीं करते हैं वो पुत्र नहीं है, वो क्या है, मल मूत्र है, है? बस आ समझ, अभी इस कथा में आई है, यह पर रहस्य बहुत है। अच्छा किंतु भगवान रामचंद्र के लग रहे, क्योंकि भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज के नित्य माता मित्र पिता पिता है, है? तथापि उदाहरण के लिए कहीं कहीं नहीं मिला तो और क्या करें, है? एक उदाहरण केवल मात्र, लेकिन ये उदाहरण आंशिक मात्र है, सखा चंद्र के भांति है। किंतु यहाँ पर जो पिताजी की जो आदेश पालन, एक बड़े भौतिक विचार है, मेटेरियल कंसेप्शन, भौतिक विचार है, है? किंतु वास्तव पिता कौन है, एक होता है पिता, एक होता है परम पिता। परम पिता कौन होता है, परमेश्वर भगवान है, अर्थात भगवान के आदेश पालन करना ही पर वो है। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं, गीता के महाभारत में कह रहे हैं, मद निमित्तम कृतम पापम धर्म परिकल्पते, मेरे निमित्त जो कोई थोड़ी सी भी पाप हो जाए वही धर्म है, और मुझे छोड़ करके कोई है
सत्कर्म भी करे उसके फल क्या है, नरक गति होता है। क्योंकि जो कुछ भी करो विष्णु के लिए ही करो, भगवान के लिए करो। विष्णु जगार्थे वही विष्णु, भगवान विष्णु के लिए कोई कहीं पर थोड़ा सा पाप कर्म भी हो जाए तो उसके धर्म कहा जाता है। और भगवान विष्णु के छोड़ करके, भगवान के छोड़ करके हजारों माता पिता की सेवा आदि करें उसके फल कुछ नहीं है। जो ये संकुश नवजंत सानाद भ्रष्ट पतंती अध, ऐसे परम पुरुष भगवान को नहीं जान करके जो अनेकों जो पुण्य कर्म आदि करते रहते हैं संसार की गुण गई, मृत्यु के पश्चात वो क्या होता है, उसका नरक गति होता है। साना भ्रष्ट पतंती अध लिखा गया है। अब बताओ अर्थात कहने की तत्पर्य यहाँ पर थोड़ा विचार रखे, पिता कहने के कौन पिता के कहल कह रहे, जो परम पिता स्वयं परमेश्वर भगवान है। किंतु भौतिक जगत में लोगों की भौतिक विचार करते हैं, ये मेरा पिता, ये पिता, ये पिता माता इस जन्म का ही है, हड्डी मांस चमड़े के साथ जुड़े हुए हैं और शरीर छूट जाए वो माता पिता के कोई संबंध नहीं रहता है। शरीर छूटने के बाद क्या करना पड़ता है, पिंड छुड़ाना पड़ता है। आसन पिंड आदि दे दे करके गंगा जमुना आदि में जाकर के बोले आज से तुम्हारे साथ हमारे कोई संबंध नहीं है, मंत्र में दया करते हैं ना, पिंड छुड़ाना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात क्या करते हैं, देखो उनके दाह संस्कार आदि की हड्डी लेकर के बस गंगा अथवा जमुना में जाकर के तो पिंड छुड़ाओ। अर्थात तुम्हारे साथ हमारे आज के आज से कोई संबंध नहीं है, यही तो करते रहते। किंतु परम पुरुष परमेश्वर भगवान के साथ भी हमारी नित्य संबंध है। भगवान रामचंद्र जी उदाहरण ने दिया, वो नित्य माता नित्य पिता है वो है दशरथ महाराज। इसलिए यद्यपि ये उदाहरण लागू नहीं होता है तथापि स्थल विशेष में अंशी रूप में उदाहरण के लिए कहा गया है। तो उसी प्रकार अधम पुत्र कहा गया, एक कितने पुत्र होता है, क्या बताया, कई प्रकार के पुत्र होता है, चार प्रकार हो गया, तीन प्रकार के पुत्र कहा गया, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र, कनिष्ठ पुत्र और अंत में अधम पुत्र कहा गया है। वो पुत्र अधम पुत्र के बारे में इसलिए कह रहे हैं जो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो तो पुत्र ही नहीं है, मलमूत्र ही है वो है। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े हर्ष के साथ अपने पिताजी को जरावस्था को दे दिया और एक जरावस्था को ले लिया और अपना जौवन उन्हें दे दिया है। आ समझे ने, पुरु ने किया कि अपने जरा दे जरा ले लिया है और अपने जीवन को दे दिया है, बहुत प्रसन्न हुए, जाओ पिता कहने में प्रसन्न हो गया। राजा जजाति सातों द्वीप के अधिपति थे, एक पिता की भांति वे अपने प्रजा का पालन करते थे और अपनी सशक्त इंद्रियों के समय पर प्राप्त भोग का भी बिना किसी बाधा से इच्छा अनुसार भोग करते थे। पुत्र का जौवन ग्रहण करने से उनकी इंद्रियां विकल नहीं होती थी है, अभी नया जौवन मिल गया, इसलिए अनेक प्रकार के जो है भौतिक सुख आदि है भोग करने लगे और उनकी परम प्रियतमा देवजानी भी सदा सर्वदा अपने मन वाणी शरीर और अन्यान्य वस्तु के अपने पति को एकांत में आनंदित करने लगे। राजा जजाति ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ आदि करने लगे। सर्व वेद स्वरूप यज्ञेश्वर परम पुरुष भगवान हरि की भी आराधना की। जिस प्रकार आकाश में कभी भी अधिक बादल दिखाई देते हैं तो कभी कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी समय भगवान वासुदेव द्वारा रचित यूह जगत नाना रूप से प्रतिभात होता है।
नानात्व की नहीं, क्योंकि प्रलय काल में सर्वस्व ही आकाश ये कारण रूपी भगवान के प्रवेश हो जाता है। यह समस्त स्वप्न माया एवं मनोरथ की समान चंचल है, वो स्थायी नहीं है। भगवान वासुदेव सभी प्राणियों की उदय में अंतर्जामी रूप में विराजमान है। वे सूक्ष्म एवं निर्लेप होने के कारण दुर्विज्ञ है, वे सभी आश्रय स्वरूप है। वही सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को अपने हृदय में धारण करके सर्पदीप अधिपति राजा जजाति समस्त भोग वासना से रहित हो गए और उस प्रकार निष्काम भाव से उन्होंने भगवान की आराधना की, अर्थात दास भाव की आकांक्षा थे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद का ही महाराज परीक्षित, यद्यपि जजाति महाराज अपने पुत्र के जो है यौवन लिया है और भोग करने के पश्चात फिर अंत में किया कि देखा तो ये भोग के द्वारा सुख नहीं है, न जा तू काम कामिन भोग सम्मते हविषा कृष्ण वर्तमे भू एव ही वर्धते। कामना के द्वारा काम पूर्ति नहीं होते तो काम तो बढ़ते ही जाते रहते हैं है? जिस प्रकार हवन करने के समय है? जितने भी आप घी डालोगे पहाड़ी में लकड़ी में वो अग्नि प्रज्वलित होकर के अब जलते रहेगा है? ठीक उसी प्रकार कामना के द्वारा काम वासना कभी पूर्ति नहीं होता है। इसलिए अंत में जजाति महाराज की उपाख्यान भी यहाँ पर समाप्त करते जा रहे हैं। धन्यवाद। ये देखा तो इसे जीवन की कुछ लाभ नहीं है, अंत में उनके वैराग्य भी आ गया, क्यों दान पुण्य साथ सत्संग आदि के द्वारा ये दिखाया गया। इसलिए शास्त्र में लिखा गया ये जीवन में चलते चलते कभी किसी को सत्संग हो, वो सत्संग के द्वारा स्वाभाविक रूप में एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और सत्संग के द्वारा ज्ञान वैराग्य होकर के धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है मनुष्य मात्र भी कुछ पुण्य कर्म आदि करना चाहिए है, तीर्थ स्थल में जाना चाहिए है। इसलिए जजाति महाराज की अंतिम जो कथा यहाँ पर भी सुनाया है, जजाति महाराज यद्यपि अनेक भोग सुख किया भोग तो किया किंतु तथापि कुछ संत महात्मा के दान पुण्य आदि करते थे है, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य गया। कि भागवत की इस कथा को श्रवण कराने की तात्पर्य यह है जो हम कभी कभी कुछ संत ज्ञान वैराग्य भी प्राप्त हो जाते किस कैसे सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। इसलिए सत्संग की महिमा भी दिखाई इसमें है, किंतु सत्संग कैसे प्राप्ति हो, कहते सुकृति के द्वारा। भगवान ने धन दिया, उस धन को क्या करना चाहिए, सत्पात्र में लगाना चाहिए, असत्पात्र में नहीं है। तो ये समस्त कथा हम सुबह भी वर्णन किया था, किंतु यहाँ पर फिर कैसे परीक्षित महाराज जी पर भी प्रश्न करने लगे जे ऐसे इतना भोग सुख आदि करने के पश्चात भी उनके ऐसे ज्ञान वैराग्य कैसे उत्पन्न हो गया, ये कथा भी मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे पहले ही कहा था दिया, क्या बोला श्लोक, क्या बोले, न जातु कामो कामेनो उपभोग्यनो सम्मति हविषा कृष्म वर्तमे यथा वो एवो भी वर्धते। कामना के द्वारा काम वासना को भी पूर्ति नहीं होता, वो तो बढ़ते ही जाएगा है। जिस प्रकार अग्नि में यदि आग डाल दिया जाए, अग्नि हाँ अग्नि में यदि घी डाल दिया जाए वो क्या हो गया, वो और भी बढ़ते जाएगा। घी डालो और लकड़ी दो, स्वाद हम करते हैं ना जग में है, घी भी डालते हैं और लकड़ी भी डालते हैं, उसमें जलते रहते हैं, उसी प्रकार कहते हैं। किंतु हमें ये प्रश्न हो रहा है, हे राजन हे गुरुदेव ये मुझे बताइए इनके ऐसे ज्ञान और सब कुछ त्याग दे करके भगवान के भजन में प्रवृत्ति कैसे हुआ, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। आगे जाकर की कथा बहुत सुंदर है इसमें है। और इसलिए यह पर भी देखा है उसी कुल किसी के कुल में भगवान आए, जदुवंश में कुरुवंश में क्यों नहीं आया,
ये पूर्व के क्यों नहीं आए ना? जिसको हम धर्म कह रहे थे वो सांसारिक धर्म है, यथार्थ धर्म जो है इन्होंने किया जी, क्योंकि एक भौतिक विचार और एक पारमार्थिक विचार में ये अंतर होता है। इसके कथा हम काल श्रवण करेंगे, आज महाराज जी कथा श्रवण करेंगे, समय भी सब संक्षेप है। नरसिंह महाराज बोलेंगे इसलिए यहाँ पर हम कथा को विश्राम देते हैं। बहुत सुंदर इसमें कथा प्रसंग है, श्रीमद् भागवत में इसलिए कहते जा रहे हैं, ये बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनकर के हमें क्या फायदा है? बोले राजाओं की कथा ऐसे सुनाया, अंत में उनके कैसे ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा फिर कैसे भक्ति मार्ग में आए, ये समस्त भी बताएगा। गुरु प्रेमानंदी हरि हरि।